हाय एवरीवन, जय जिनेन्द्र। आप कैसे हैं? मैं कमला चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हृदय से पुनः स्वागत करती हूं। मैं आज एक ऐसी सीरीज शुरू करना चाह रही हूं जो आप और मेरे सबके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है। लगभग आज से 316 वर्ष पूर्व जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आचार्य जयमल जी महाराज साहब हुए, जिन्होंने 52 इयर्स तक आड़ा आसन नहीं किया, अर्थात लेट कर नींद नहीं निकाली और अपने जीवन में तपस्याओं के अनेक रिकॉर्ड कायम किए। जो एका भवतारी है, अर्थात एक भव करके मोक्ष में पधारेंगे, ऐसे आचार्य जयमल जी महाराज साहब जब राजस्थान के जालौर में विचर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बड़ी साधु वंदना की रचना करी। अपनी लेखनी के द्वारा बड़ी साधु वंदना जैन जगत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। आज गुरु भगवंतों के मुखारविंद से सुना कि यदि हम एक बड़ी साधु वंदना को भावपूर्वक श्रवण पठन पाठन कर लेते हैं तो हमें एक बेले की तपस्या का फल होता है। सखियों, यहां शब्द दिया है भावपूर्वक। शास्त्रों की या श्लोकों की या गाथाओं की कोई भी शब्द या लाइनें आ रही हो और जब तक हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं तब तक भावों में उत्कृष्टता नहीं आती है। और अपना जैन धर्म मानता है कि यदि किसी का भी पठन पाठन किया जाए और यदि भावों में उत्कृष्टता आ जाए और उत्कृष्ट रसायन बन जाए तो तीर्थंकर गोत्र भी बन सकता है। आज मैं ऐसी ही बड़ी साधु वंदना के बारे में बात करूंगी जो अर्थ सहित होगी और प्रत्येक एपिसोड में दो कथाओं का विवेचन करने की कोशिश करूंगी जो मैंने गुरु चरणों में अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार सीखा है, उसे सीखने का और आप सभी को सिखाने का अल्प प्रयास करूंगी। आशा है मेरे ये एपिसोड आपको पसंद आएंगे। जहां गणित आएगी वहां गणित के माध्यम से और जहां स्टोरियां आएगी वहां स्टोरियों के माध्यम से आप और हम सब श्रवण करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की शायरी कि बिना चांदनी के चांद खिलते न देखा, अरे बिना स्नेह के दीप जलते न देखा, बिना बादलों के रही भूमि प्यासी, कि बिना ज्ञान के जीवन संवरते भी नहीं देखा। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी साधु वंदना। नमो अनंत चौबीसी ऋषभाधिक महावीर आर्य क्षेत्र मां गाली धर्म ने से महा अतुल वली नर शूरवीर ने धीर तीरथ प्रवर्ता भी पहुंचा बहु जलती। छोटी सी बात याद आ गई कि मैं एक रोड पर जा रही थी, हमारे गुरु भगवंत सामने से पधार रहे थे, कुछ बच्चे भी चल रहे थे। उन्होंने जैसे ही गुरु भगवंत को देखा तो उन्होंने जय जिनेन्द्र बोला। कहां गई हमारी संस्कृति? बच्चों को हम आज ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि गुरु भगवंत सामने दिखाई दे तो हमें मध्यान वंदा में बोलना चाहिए ताकि हे गुरु भगवान आपके चरणों में मैं मस्तक नमा कर वंदना करता हूँ। वंदना तीन तरह की होती है, जगन्य वंदना, मध्यम वंदना और उत्कृष्ट वंदना। जगन्य वंदना में यदि कोई साधु भगवान सामने नजर आ जाए तो हाथ जोड़कर शीश नमा कर जो मथेर वंदना में बोला जाता है वह जगन्य वंदना कहलाती है। और स्थानक में जाकर के जब हम तिकुते के पाठ से विधि सहित वंदन नमस्कार करते हैं
तो वह मध्यम वंदना होती है और इच्छा में क्षमा समणों के पाठ से उत्कृष्ट वंदना की जाती है। तो मेरी माताओं, बहनें, भाइयों, अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें कि हमें जैन साधु के सामने किस तरीके से बोलना चाहिए। सीरीज का अर्थ करने के पहले पांचों पदों को वंदन नमस्कार करके शुरुआत करती हूं कि नमो अनंत चौबीसी। एक प्रचलित भाषा आजकल चल रही है कि नमो के स्थान पर नमो बोला जाता है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें नमो शब्द बोलना चाहिए। अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं। देखिए, काउंटिंग जिसकी हो सके वह संख्यात, जिसकी काउंटिंग ना हो सके वो असंख्यात, और जो सीमा से परे हो वह अनंत। इस प्रकार की इस मनुष्य लोक में, मनुष्य क्षेत्र में अनंत चौबीसियां हो चुकी है और अनंत चौबीसियां होने वाली है। नमो नमस्कार करती हूं किसको? अनंत चौबीसी को। एक नहीं, दो नहीं, अनंत चौबीसी को मेरा और आप सबका प्रणाम स्वीकार हो। मस्तक नवाकर वंदना करते हैं ऋषिवादिक महावीर। मगर आचार्य भगवान फरमाते हैं कि इस बड़ी साधु वंदना में भगवान ऋषभ देव से लगाकर भगवान महावीर तक की जो 24 तीर्थंकर होते हैं उसकी एक चौबीसी का वर्णन आता है। एण आर्य क्षेत्र मां, एण यानी हम जहां रह रहे हैं इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, ऋषभदेव भगवान से लगाकर भगवान महावीर तक की चौबीसी को एक चौबीसी कहा गया है। काली धरमनी सीर, इन्होंने तीर्थ की स्थापना करी और धर्म की सीर डाली। सीर मतलब धर्म की गंगा बहा दी। सीर आता है ना, यहां सीर पानी आता है उसको सीर कहते हैं, कुएं में पानी आता है सीर कहलाता है। उसी तरीके से धर्म रूपी गंगा बहा दी और स्वयं तिरे और दूसरों को भी तारे। इन आर्य क्षेत्र मां घाली धर्म ने सीर। क्षेत्र का वर्णन आता है, क्षेत्र कितने? क्षेत्र दो, आर्य क्षेत्र और अनार्य क्षेत्र। यहां शास्त्रकार कहते हैं कि आर्य क्षेत्र किसे कहा गया है और अनार्य क्षेत्र किसे कहा गया है। ठाणाक सूत्र में आर्य क्षेत्र किसे कहा गया है वह बताया है कि जहां नो बात की जोगवाई हो उसे आर्य क्षेत्र कहा जाएगा। जहां क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, शिल्प, भाषा, ज्ञान, दर्शन, चरित्र हो वह क्षेत्र आर्य क्षेत्र कहलाया जाता है। द्वीप के भरत क्षेत्र में 32,000 देश है, जिसमें 31,974.5 देश अनार्य है और मात्र 25.5 देश आर्य क्षेत्र है। आप और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें आर्य क्षेत्र में जन्म मिला। इस प्रकार आगे गाथा बोली जाती है महातुल बलिना। तीर्थंकर भगवान और विहरमान इस मनुष्य लोक के महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर हमारे विचरण कर रहे हैं उन्हें विहरमान कहा गया है। कि महातुल बली नर ये कितने बलशाली होते हैं कि जैन दर्शन प्रत्येक जीवात्मा को अनंत शक्ति संपन्न मानता है, प्राणी मात्र के लिए पूजनीय वंदनीय। महा अतुल बली नर यानी महान बल के धनी तीर्थंकर भगवान, जिनका बल शास्त्रकार किस तरीके से बताते हैं। छोटी सी बात बताती हूं कि 12 सुबटों जितना बल एक वृषभ में होता है और 10 वृषभ जितना बल एक अश्व में होता है और 12 अश्वों का बल एक भैंसे में होता है और 15 भैंसों जितना बल एक हाथी में होता है और 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में होता है
और 2000 केसरी सिंह का बल एक अष्टपद पक्षी में होता है और 10 लाख अष्टपद पक्षियों का बल एक बलदेव में, 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में और 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में और 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल एक देव में और 1 करोड़ देवताओं को जितना बल एक इंद्र में। ऐसे बलशाली अनंत इंद्र भी तीर्थंकर भगवान की एक कनिष्ठ अंगुली को भी नहीं हिला सकते। आप और हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर को जब मेरु पर्वत पर इंद्र जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए लेकर के गए तो वहां इंद्र के मन में छोटी सी शंका आ गई कि 108 स्वर्ण कलशों से जब प्रभु का अभिषेक करेंगे तो क्या इतना जल सहन कर पाएंगे। तीर्थंकर भगवान जो जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, उन्होंने जान लिया इंद्र के मन की शंका को और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से मेरु पर्वत को टच किया और मेरु पर्वत हिल गया। इंद्र भगवान, इंद्र महाराज वो भी 3 ज्ञान के धनी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, उन्होंने भी जान लिया मेरु पर्वत कंपायमान कैसे हुआ। तब उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु आप अनंत बलशाली हैं, ऐसे अनंत महा अतुल बली नर और शूर है, वीर है, धीर है और गंभीर है। तीर्थ प्रवर्तन, तीर्थ की स्थापना करी। तीर्थ कितने होते हैं? 4, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ होते हैं। चारों तीर्थ की भगवान केवल ज्ञान होने के पश्चात स्थापना करते हैं। पहुंचा बहुचल तीर्थ, स्वयं भी इस संसार से पार हो जाते हैं और जो भव्य प्राणी होते हैं उनको भी अपनी धर्म देशना से पार कराते हैं। मैं कमला चौधरी आशा करती हूं कि आपने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मेरे YouTube चैनल पर पहले भी दिया है, आगे भी निरंतर अपने आशीर्वाद की कृपा दृष्टि बनाए रखें। हाँ, यदि पसंद आया तो 1 लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब करना ना भूले और यदि पसंद आए तो शेयर करने से ना चुके, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाया जाए उतना ज्ञान बढ़ता है। और आशा करती हूं कि आज का प्रश्न आपके सामने रखती हूं कि 500 हाथियों का बल किसे मिलता है। कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। यदि मैं भी छद्मस्त हूं, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है तो आपके सुझाव में सादर आमंत्रित करती हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और आपका स्नेह ऐसे ही बरसता रहे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।